हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंडअप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और एमसीक्यू बेस्ड दूसरे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन सारी न्यूज़ का सक्सिंग कवरेज और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं। साथ ही साथ स्टैटिक के उन पोर्शंस पे हम बात करेंगे जो कि एग्जाम्स में आने के लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं बिकॉज ऑफ दीज करंट अफेयर्स न्यूज़। ठीक है दोस्तों, तो आइए और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ पर। आज की पहली न्यूज़ है रिलेटेड टू द फाइंडिंग ऑफ स्टेगोडॉन फॉसिल्स इन सहारनपुर यूपी। ठीक है, दो बातें ध्यान में देने लायक हैं कि स्टेगोडॉन एक हाथी जैसा जानवर होता था, उसकी इमेज मैंने यहाँ स्लाइड में दे दी है, देखिए हाथी जैसा जानवर होता था जो कि थैंकफुली पास्ट में ही एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, उसके जीवाश्म, उसके फॉसिल्स हमें यूपी के सहारनपुर में मिले हैं। ठीक है, सहारनपुर यूपी का जो है वो शिवालिक रेंज में आता है। शिवालिक रेंज, हालांकि हर यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होता है कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ पर है, फिर भी एक इमेज मैंने दे दी है कि बेसिक से आपको समझ में आ जाए कि ये जो ग्रीन पट्टी बनी हुई है, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रावलपिंडी पाकिस्तान से लेके ये पूरा नेपाल के नीचे से जाते हुए, नेपाल में जाते हुए भूटान पर जाकर एंड हो रही है जो शिवालिक रेंज है। ये कैसा कहा जा रहा है कि पहले यहाँ पर बहुत नदियाँ थी, पानी के और बहुत सारे सोर्सेस थे, जंगल थे और यहाँ इस तरह के बड़े बड़े जानवर घूमा करते थे, क्योंकि पहले भी इस तरह के जानवरों के फॉसिल्स, जीवाश्म इन जगहों पर मिल चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं न्यूज़ में क्या दिया है कि नंबर ऑफ रिचेस्ट फॉसिल रिकॉर्ड्स इन साउथ एशिया हैव बीन फाउंड एट द ढोक पठान फॉर्मेशन ऑफ द शिवालिक रेंज। ये एक और इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको नोट करके रखिए, गूगल करके पता करिए कि ढोक पठान फॉर्मेशन किसे कहते हैं। ठीक है, आने के चांसेस हालांकि कम है किसी भी एग्जाम में, फिर भी भूले भटके ये टर्म कहीं यूज किया जा सकता है। तो रिसर्चर्स को मिला है एक एक्सटिंक्ट एंसेस्टर ऑफ एलिफेंट जो कि 5 से 8 मिलियन साल पुराना है, 50 से 80, आप समझ सकते हैं 50 से 80 लाख साल पुराना ये फॉसिल है। थोड़ा एक मिनट इस फिगर को अपने दिमाग में रख के आप सोचिए, आज से 80 लाख साल पहले ये जानवर यूपी में रहता था और उसका फॉसिल आज हमें मिला है। स्टेगोडॉन को कहा जा रहा है विच वॉज अ टाइप ऑफ एलिफेंट फाउंड अंटिल द लेट प्लीस्टोसीन एरा है जिसमें ये मिलता था। स्टेगोडॉन के जो फॉसिल्स के सैंपल हैं वो अवेलेबल हैं देहरादून वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। अगेन देखिए, ये भी किसी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ पर है, हिमालयन है और एक म्यूजियम है, जनरली देहरादून में ही इस तरह के म्यूजियम्स पाए जाते हैं। एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा म्यूजियम वहाँ पर देहरादून में ही है, तो ये टर्म आप याद करके रख सकते हैं। अर्लियर फॉसिल्स ऑफ स्टेगोडॉन वर डिस्कवर्ड एट अदर हिल्स और लोकेशंस ऑफ द शिवालिक माउंटेन रेंज, बट द वन दैट वॉज डिस्कवर्ड दिस टाइम वॉज द ओल्डेस्ट फॉसिल दैट हैज बीन फाउंड फ्रॉम द शिवालिक माउंटेन रेंज टू डेट। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ लेटेस्ट फॉसिल डिस्कवरी इन द शिवालिक रेंज, इसमें से कौन सी बातें सच है। बोल देगा कि स्टेगोडॉन की डिस्कवरी हुई है, दूसरा पॉइंट कि ये 80 साल पुराना फॉसिल मिला है, तीसरा पॉइंट कि शिवालिक रेंज में आज तक इससे पुराना और कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो जनरली कोई भी इतने एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट को टिक करके करेक्ट करने में हेजिटेट करेगा कि क्या पता भाई इससे पुराना भी कुछ मिल गया हो, हमको क्या पता। लेकिन आपको ये पॉइंट नोट करके रखना है कि शिवालिक रेंज में पाया गया ये आज तक का सबसे पुराना फॉसिल है। ठीक है, इसलिए ये डिस्कवरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या पता चल रहा है कि देयर वॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट इन द शिवालिक रेंज मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक। इतना बड़ा जानवर हाथी जैसे आप समझ सकते हैं, हाथी ही कहते हैं कि दिन में कितने किलो, 70-80 किलो 100 किलो पता नहीं फॉलिएज खा जाता है, तो ये जानवर पता नहीं कितना फॉलिएज, कितने पेड़ के पत्ते वगैरह खाता होगा। हाथी अब घास तो खा नहीं सकता, तो उतने कितने डेंस जंगल वहां पे होंगे कि इस तरह के जानवर वहां पाए जाते होंगे, और इतना डेंस जंगल उस मैदानी इलाके में मिलेगा तो यानी वहां पर बहुत पानी, नदी, इस तरह की चीजें वहां पर होंगी। ठीक है, तो इस फॉसिल के बारे में ये बात बताई जा रही है कि स्टेगोडॉन फॉसिल डिस्कवर्ड हैज 9 वेल डेवलप्ड रिजेस ऑन द सरफेस। ठीक है, ये जो इसके दांत निकले हुए हैं इसमें रिज बने होते थे, एक प्रोट्रूशन इस टाइप का बना होता था, जो इमेज इस न्यूज़ में भी दी गई है देखिए, उसमें ऐसा खुरदुरा सा एक पैटर्न बना हुआ है वो इसके दांत पर पाया जाता था, इससे इसका नाम स्टेगोडॉन रखा गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अब अपन आज की अगली न्यूज़ पर। पीएमसी बैंक इशू, पीएमसी बैंक का इशू क्या है वो आप सबको पता होगा, पिछले साल से चल रहा है, रोज़ और हर हफ्ते उस पर एक न्यूज़ आ ही जाती है। तो उसके बारे में क्या बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 19 जून 2020 हैज़ एक्सटेंडेड द रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन द मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बाई अनदर 6 मंथ्स। ठीक है, तो उस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी आरबीआई ने वो 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई हैं। इसके पहले जो अर्लियर नोटिस था वो 22 जून तक लागू हो रहा था इस पर सब रिस्ट्रिक्शन, लेकिन अब पूरा मामला अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो 22 दिसंबर 2020 तक के लिए ये रिस्ट्रिक्शन एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, लेकिन कस्टमर को रिलीफ प्रोवाइड किया गया था विड्रॉवल लिमिट में के
पहले जो 50,000 जो 50,000 रुपये तक ही एक कोई डिपॉजिटर पैसे विड्रॉ कर सकता था, अब पर डिपॉजिटर 1,00,000 रुपये विड्रॉ किए जा सकते हैं। RBI ने और भी बताया कि इस तरह से रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा कि 84% ऑफ द कस्टमर्स ऑफ द बैंक वो अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर लेंगे। देखिए, ये वैसे ही एक कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक में बहुत बड़े बड़े करोड़पति अपना पैसा नहीं डालते हैं, अनलेस मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ प्लान कर रहे हों। तो देखिए, 84% लोग ऐसे हैं जिनके उसमें डिपॉजिट 1,00,000 रुपये से नीचे तक के थे, अब वो पूरा पैसा विड्रॉ कर लेंगे। अगेन, आप देख सकते हैं यहाँ पे परेटो प्रिंसिपल, जिसकी मैं रोज़ लगभग बात कर ही लेता हूँ अपने वीडियो में। तो 80-20 प्रिंसिपल यहाँ पर लागू हो रहा है कि 80% जो उसके डिपॉजिटर्स थे, तो पॉलिसी मेकर्स ने ध्यान दिया कि कैसे मैक्सिमम लोगों को हम उनका पैसा निकाल लेने दें, इस तरह की विड्रॉवल लिमिट सेट करें। तो ये 1,00,000 रुपए का लिमिट उन्होंने सेट किया। ठीक है, अब एक छोटा सा विनियट यहाँ पर दिया है कि PMC बैंक क्राइसिस क्या था। तो PMC बैंक क्राइसिस बता रहे, मंथ ऑफ सेप्टेम्बर लास्ट ईयर में अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के तहत उस पर इस तरह के कर्व्स लगा दिए गए थे। तो उस समय जब ये कर्व्स लगाए गए थे, तो उसमें क्या किया गया था कि विड्रॉवल 1,000 रुपये तक की भी विड्रॉवल RBI ने बैन कर दी थी। 1,000 से नीचे आप चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं, 1,000 के ऊपर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। उस समय बहुत ज़्यादा इसको लेके एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जैसा सिचुएशन खड़ा हो गया था। कितने लोग इस शॉक से ही मर गए और कितने लोग इलाज कराना था, पैसा बैंक में जमा था, वो पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, इस तरह की न्यूज़ अक्सर दिन में आती थी। ठीक है, तो वहाँ से लेके अभी तक क्या हुआ है कि सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हुई। आप देखिए, आप 1,00,000 रुपये तक के लोग पैसा अपने अकाउंट में से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, PMC बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला फाइल किया गया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा, जो कि एक फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड रियल इस्टेट कंपनी थी, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, HDIL। ठीक है, ये कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में थी, ये कंपनी अपना लोन नहीं चुका पा रही थी, फिर भी इसके एसेट को स्ट्रेस्ड एसेट करके बैंक ने क्लासीफाई नहीं किया था। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं किया था? तो इस कंपनी के लोगों ने शायद इस बैंक के जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ कुछ पैसे का हुआ होगा ट्रांजेक्शन कि भाई आप मेरे अकाउंट को मत करें, स्ट्रेस्ड एसेट मत बोलिए, अभी हम देखते हैं, बाद में जाके लोन हम आपको वापस पे कर देंगे, फिलहाल के लिए हमें मत आप ऐसे क्लासिफाई करिए। इस तरह का कुछ क्विड प्रो को कहते हैं, इस तरह का कुछ उनके बीच में हुआ होगा। तो उसके लिए सरकार ने इनके ऊपर केस लगा दिया, और इसके पहले कि कोई पैसे लेके भाग जाए, इस तरह की स्थिति हो जाए, तो इस बैंक के पैसे के विड्रॉवल पर ही उन्होंने लिमिट लगा दी थी। ठीक है, अब देखिए इस इशू से रिलेटेड, ये तो छोटा सा PMC बैंक का इशू है, कुछ MCQ किसी एग्जाम में आ गया तो आ गया, लेकिन इंडिया में बैंकिंग और NPA, बैंकिंग सेक्टर में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का क्राइसिस है, ये पिछले 5 साल से UPSC एस्पिरेंट्स इसको लेके पढ़ रहे हैं, और ये क्राइसिस जो है बहुत आने वाले 5-10 साल तक भी रेलिवेंट रहने वाला है। तो NPA से रिलेटेड जो भी न्यूज़ किसी भी अखबार में आ जाए, तो आपको एक बार फिर से पूरा अभी तक का रिसेंट जिसमें जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको एक बार रिफ्रेश कर लेना चाहिए अपने माइंड में। ठीक है, तो इसके लिए एक सुनील मेहता कमेटी बनाई गई थी 2018 में जो मोदी गवर्नमेंट द्वारा, के इतने सारे इनिशिएटिव्स, उसके पहले भी RBI ने कितने सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए थे, UPSC एस्पिरेंट्स पढ़ पढ़ के मर गए, इतने इनिशिएटिव्स अनाउंस होते जा रहे थे, और उसके बाद भी कोई NPA की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, NPS तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो सुनील मेहता कमेटी बनाई गई थी, पंजाब नेशनल बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे सुनील मेहता। ये एक MCQ वर्दी पॉइंट है, किसी एग्जाम में आ सकता है, बैंकिंग के एग्जाम में आराम से आ सकता है। तो सुनील मेहता एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे पंजाब नेशनल बैंक के, उनकी अध्यक्षता में बैंकर्स की एक कमेटी बनाई गई थी, उसको कहते हैं सुनील मेहता पैनल। उसने रिकमेंडेशन दिया था, देखिए, द हाई लेवल कमेटी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेस एसेट्स एंड क्रिएटिंग मोर वैल्यू फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज सजेस्टेड अ ट्रांसपेरेंट मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन विद अ फोकस ऑन एसेट टर्न अराउंड टू इंश्योर जॉब प्रोटेक्शन एंड क्रिएशन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन उन्होंने बोला था, कि मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन यानी क्या, गवर्नमेंट और RBI ज़्यादा इसमें ना घुसे, उस जो बैंक के अंडर में जो एसेट्स हैं, जो कंपनी के एसेट्स हैं, मार्केट को खरीदने दें, मार्केट देखे कि क्या करे नहीं करे, प्राइवेट सेक्टर देखे कि उसमें क्या हो नहीं हो। डिटेल में आप वैसे मैक्सिमम लोगों ने पढ़ के रखा ही होगा सुनील मेहता पैनल के बारे में, 2018 की न्यूज़ है, जिनको नहीं पता इसके ऊपर पढ़ के एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके रखिए अबाउट द सुनील मेहता पैनल। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट सशक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ये मोदी सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्लान था, जुलाई 2018 में अनवेल किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, कि टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ NPAs या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स इन द कंट्री। ठीक है, तो इसने का ये जो सुनील मेहता कमेटी थी, इसने एक 5-pronged स्ट्रैटेजी बनाई है टुवर्ड्स रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। वो 5 पॉइंट क्या हैं वो भी आप नोट बना के रखिए, मैक्सिमम लोगों के पास पहले से नोट्स प्रिपेयर्ड होंगे, इसके जिनके पास नहीं है उनको प्रिपेयर करके रखना चाहिए। इसमें 2 टर्म्स आते हैं, AMC और AIF। AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी ऐसी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनाई जाए जो कि
स्ट्रेस्ड एसेट, जो कंपनी पूरी दिवालिया हो चुकी है मान लीजिए, उसके एसेट्स को टेक ओवर कर ले और उसके बाद देखे कि इसका क्या करना है इस कंपनी के एसेट्स को, जैसे कोई और कंपनी टेक ओवर कर सकती है, इसके कोई अगर कॉम्पिटिटर हैं वो विलिंग है इस कंपनी को विद ब्रांड नेम वगैरह खरीद लेने के, तो उनको बेच देंगे, या वो भी नहीं हो पाया तो कंपनी की फिजिकल एसेट्स, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो मशीनरीज हैं वगैरह, उनको मार्केट से बेच के कितना पैसा सैलवेज किया जा सके, बैंक से कितना रुपया बैंक का रिकवर किया जा सके, ठीक है। इसके लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है और AIF जो इसके तहत बनाया जाएगा, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसका मतलब है कि दुनिया, इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी लोगों से इन्वेस्टमेंट गैदर किया जाएगा ये बोल के कि ये पर्टिकुलर कंपनीज़ हैं AMC के अंडर में जो कि अभी दिवालियेपन के कगार पर हैं, पर इसमें पैसा लगा के इसको रिवाइव किया जा सकता है, उसके लिए हमें पैसे चाहिए। तो बेसिकली बहुत ही कम रेट पे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑफर करना पड़ेगा इसके लिए, तो उसके लिए इंडियन कंपनीज़ और बाहर की कंपनीज से भी बात की जाएगी कि इसमें पैसा लगेगा। हालांकि बाहर से देख के समझ में आ रहा है, बट अंदर से मुझे नहीं लगता कोई भी बहुत लार्ज स्केल पे इनमें पैसे लगाएगा, ठीक है। वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये कितना पैसा रेज कर पाई AIF सक्सेसफुली, ठीक है। ये इसके ऊपर मैंने एक और देखिए स्लाइड आपके लिए बना दी है, सशक्त इंडिया और सुनील मेहता पैनल के बारे में। तो सुनील मेहता पैनल ने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट दी है कि सशक्त इंडिया AMC बनाएंगे, सशक्त इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाएंगे, जिसके तहत इस तरह की कंपनीज के एसेट को रख के बेचने का और कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए इसका प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो ही ऑल्सो सेट द पैनल इज नाउ वर्किंग टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो मैंने आपको अभी बताया। अभी ये प्रोसेस में है, देखिए नवंबर 15, 2018 की ये न्यूज़ है कि वो प्रोसेस में थे। अभी तक तो ऐसा कोई इन्वेस्टर आया नहीं, कोई AIF सेटअप तो हुआ नहीं है, जैसे कि मुझे उम्मीद थी इसमें कोई गतिविधि नहीं हो रही है उसके आगे, ठीक है। देखिए इसमें मैंने इस स्लाइड में हाईलाइट कर दिए हैं वो कीवर्ड्स जो कि आराम से किस कोई भी MCQ में आपसे पूछे जा सकते हैं। AMC मैंने आपको बता दिया, AIF भी मैंने आपको बता दिया, NPAs आप जानते हैं, ठीक है। NPS से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट जो कैटेगराइजेशन है वो है SMA 0 स्ट्रेस्ड एसेट्स का, SMA 0, SMA 1, SMA 2 करके। तो इनके ऊपर इनकी क्या क्या डेफिनेशन होती है, कितने दिन तक अगर किसी ने अपना प्रीमियम, अपना इंस्टॉलमेंट अगर नहीं भरा है तो वो उनका जो लोन है वो SMA 0, SMA 1, SMA 2 में क्लासिफाई होता है, ये आपको पढ़ के याद करके रखना चाहिए, ठीक है। सशक्त इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड वो AMC वो कंपनी बनेगी जो कि इस तरह की स्ट्रेस्ड एसेट्स को लेके उनको रिवाइव करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अच्छा, रिवाइव करने की कोशिश क्यों की जाएगी, सबसे पहले बेचने की नहीं, क्योंकि वहाँ पे इंप्लॉयज़ भी हैं, ठीक है। तो इंप्लॉयज़ की जॉब जा सकती है, आप बिल्डिंग वगैरह बेच देंगे, बिल्डिंग प्लांट और मशीनरी बेच देंगे, तो एक तो ज़्यादा वैल्यू आप रिकवर कर नहीं पाएंगे, एक कंपनी की वैल्यू उसकी बिल्डिंग और प्लांट और मशीनरी से काफ़ी ज़्यादा होती है, और एम्प्लॉयज़ की जॉब भी चली जाएगी, तो उसकी वजह से कुछ पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस भी होंगे, उन लोग प्रोटेस्ट करेंगे वगैरह वगैरह। तो उसके लिए पहला प्रयास किया जाएगा कि अगर किसी तरह से ये AIF के जरिए कोई बाहर से फंड आ जाए, कोई पैसा लगा दे, ये कंपनी वापस चालू की जा सके, ठीक है। तो उसके बाद देखिए और मैंने क्या क्या यहाँ पर हाईलाइट किया, पोटेंशियल स्पॉन्सर्स यानी डोमेस्टिक और एज वेल एज फॉरेन पोटेंशियल स्पॉन्सर्स को खोजा जाएगा फॉर द AIF, ठीक है। अब देखिए क्या बताया जा रहा है, अगेन यहाँ पर पेरेटो प्रिंसिपल आ चुका है कि कोई ऐसे 200 बैड लोन अकाउंट हैं जो कि 500 करोड़ से ज़्यादा का लोन जिनके ऊपर बकाया है, तो इन्होंने सबसे पहले उन्हीं को आइडेंटिफाई किया है कि कौन बड़े बड़े यहाँ पे बड़ी मछलियाँ हैं जिन्हें कहते हैं। तो वैसे ही 200 बैड लोन अकाउंट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, तो यही आपस में मिला के 3.1 लाख करोड़ रुपीज़ के NPA के लिए जिम्मेदार हैं। अराउंड 10 लाख करोड़ का NPA है इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उसमें से जो 3.1 लाख करोड़ है ये सिर्फ 200 बैड लोन अकाउंट्स के ऊपर यानी 200 कंपनियों के ऊपर ही है। तो उनको ही अगर रिस्ट्रक्चर कर लिया गया इन 200 को, तो बहुत आसानी से एक बहुत बड़ा NPS का पार्ट रिजॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इसमें वो है अबाउट ICA यानी इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट। इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट एक तरह का प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, आप अपने इजीली समझ सकते हैं कि एक वेबसाइट बनाई जाएगी। मान लीजिए एक कंपनी को बहुत सारे बैंक और बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लोन दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब IBC यानी इन्वेस्टमेंट एंड बैंक्रप्सी जो आपका कोड है, तो उसमें क्या होता है कि पहले जाके डेटर्स जिन्होंने लोन दिया है उनको इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि कैसे इसको अब बैंक्रप्सी करनी है, इसके एसेट बेचने हैं, इसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंडर में लाना है, क्या करना है। लेकिन अगर मान लीजिए 15-20 लोगों ने उनको लोन दिया हुआ है, बहुत सारे बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, तो अब इनके बीच में आपसी तालमेल को लेकर प्रॉब्लम होती रहती है कि कैसे होगा। हर बैंक चाहेगा कि भाई पहले मुझे मेरा लोन आप वापस कर दो, बाकी आप लोग अपना देखते रहो,
लेकिन इस तरह से तो होगा नहीं। तो एक वेबसाइट जैसा बना के कि सबके बीच में ट्रांसपेरेंट नेगोशिएशन हो, कोऑर्डिनेशन हो और उसके बाद एक्शन लिया जाए, उसके लिए ये इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट बनाया जा रहा है। इसके ऊपर आपको डिटेल में पढ़ के शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके रखना चाहिए, बहुत आसानी से GS3 में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी ICA का फुल फॉर्म क्या है, ICA इज पार्ट ऑफ क्या, प्रोजेक्ट सशक्त या वॉट, या इस तरह की चीज़ें आपको MCQ में आ सकती हैं, ठीक है। और जो मैंने हाईलाइट किया, देखिए 33 banks have so far signed the agreement. ICA is a platform for banks and financial institutions to come together and take concerted efforts towards resolving debt loans. So, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो ये थी about this news. Moving on to the next news, it is about नवरक्षक PPE. PPE यानी होता है personal protective equipment. वो देखिए hazmat यानी hazardous material suit type का जो पहनते हैं medical प्रोफेशनल्स, जो कि कोरोना से डील करने के लिए कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे, ठीक है। तो उसके लिए एक नया ICMR ने अप्रूव किया है यूज़र फ्रेंडली PPE, यानी पुराने PPEs जो थे गर्मी लगती थी और बार बार वॉशरूम जाने के समय उसको खोलने पहनने में बहुत टाइम भी जाता था, ये शिकायतें ऐसी आ रही थी, न्यूज़पेपर्स में आए दिन आती रहती थी। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक नया PPE अप्रूव किया है जो कि कोट अनकोट यूज़र फ्रेंडली है बताया जा रहा है। उसका नाम रखा गया नवरक्षक, ठीक है। दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट एज द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज अप्रूव्ड इट अर्लियर दिस वीक फॉर मास प्रोडक्शन एंड यूज इन द कंपनी वन इन द कंट्री वन ऑफ द 9 ऑथोराइज्ड NABL अक्रेडिटेड लेबोरेटरीज फॉर PPE प्रोटोटाइप सैंपल टेस्टिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज। देखिए DRDO की लैब है जिसने इसको सर्टिफाई किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने इसको टेस्ट करके अप्रूव कर दिया है। ये DRDO की लैब है और इसने इसको जाकर सर्टिफाई कर दिया है। PPE किट जो है ये नवरक्षक, इट वॉज डेवलप्ड बाई अ नेवल डॉक्टर एट द इनोवेशन सेल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन लोकेटेड एट INHS अश्विनी इन मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में INHS अश्विनी है, ठीक है, उसमें जो डॉक्टर हैं नेवल डॉक्टर, उन्होंने वहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन में ये बिल्ड किया था कि एक नया PPE उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमको एक नया यूज़र फ्रेंडली PPE बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। सिंगल और डबल प्लाई वाले वर्जन में मिलेगा। इंटायर किट विल कंसिस्ट ऑफ फेस मास्क, हेड गियर एंड अ मिड थाई लेवल शो कवर, ठीक है। तो बेसिकली जो एक तरह का एस्ट्रोनॉट जैसा सूट था ये वो ना होके ज़्यादा एप्रन टाइप का है। वो कह रहे हैं कि हाथ और चेहरा अगर आपने ढक लिया, उसके बाद बॉडी को आप अगर घुटने तक ढक लेते हैं, जैसे ही समझिए एक एप्रन जैसा पहन लेते हैं, तो उससे ज़्यादा बॉडी को पूरा चारों तरफ से घेर के बंद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वायरस उस तरह से नहीं फैलता है, ठीक है। द PPE विल ऑल्सो नॉट रिक्वायर एनी टेप्स एंड सीलिंग मशीन्स एज द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक यूज फॉर इट इज सच अ सुपीरियर वन दैट इवन इट वोंट रिक्वायर एनी प्लास्टिक लाइक फिल्म और पॉलीमर लेमिनेशन, ठीक है। ये चलो ये इसकी जो क्वालिटी थी उसकी बात हो गई। तो प्रोडक्शन होगा 5 MSMEs को, देखिए हर तरफ से MSMEs को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, तो इसके प्रोडक्शन के लिए भी 5 MSMEs को लाइसेंस दे दिया गया है कि आप ये नया PPE किट बनाइए, ठीक है। द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC ने लाइसेंस इश्यूज किए हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए गए हैं, वो NRDC के द्वारा जारी किए गए हैं। अब 1,10,000,000 नवरक्षक PPEs आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड बाई दीज 5 MSMEs टुगेदर इन अ ईयर। तो 1 करोड़ प्रोड्यूस करने में देखिए 1 साल का टाइम लग जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, जो कि है अबाउट द खरीफ क्रॉप्स। सिंपल सी न्यूज़ ये है कि खरीफ क्रॉप्स बोए जा रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको स्लाइड में एक चार्ट बना के दिखा दिया, लोग कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही एक सिंपल सा पॉइंट है कि खरीफ, रबी और जैद, ये 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं। बरसात के मौसम में खरीफ बोया जाता है, फिर उसके बाद आ जाती हैं सर्दियाँ, उसमें रबी की फसल बोई जाती है, और गर्मियों के मौसम में जैद की खेती होती है। जैद की खेती उतनी ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम लोग जानते भी नहीं होंगे कि जैद बोल के कोई खेती होती भी है, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स क्या क्या होते हैं, राइस, शुगर केन, जूट, कॉटन, टोबैको। फिर रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, वीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, और जैद क्रॉप्स ये होती हैं। देखिए कौन सी क्रॉप किस क्लासिफिकेशन में आएगी, बहुत आसानी से एक इसमें स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन UPSC प्री में आ सकता है, अक्सर आता है, और ये इतना इजी है कि मैक्सिमम लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं और एग्जाम में जाके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी इस न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है, तो ये चार्ट मैंने दिया है वो आप पढ़ के रख लीजिए। न्यूज़ अभी यह आई है कि खरीफ का क्रॉप बोया जा रहा है, पिछले साल से ज़्यादा एरिया में बोया गया है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पिछले साल जितने हेक्टेयर एरिया में खरीफ की क्रॉप बोई गई थी, इस साल अभी तक में ही उससे ज़्यादा बो दी गई है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ है का कारण नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। जो कि ये लोग द हिंदू में जो आर्टिकल आया है वो ऐसा एक्सपेक्ट भी कर रहा है, वो ऐसा कह भी रहा है कि इस साल जबकि बरसात पिछले साल में इस समय तक जितनी बरसात हो गई थी, इस साल इस समय तक उससे कम बरसात हुई है। लेकिन एक पॉइंट जो मेंशन किया गया है वो ये है
ये देश भर के रिजर्वॉयर्स में पानी जिन बांधों में, चेक डैम्स में, तालाबों में जहाँ जहाँ जमा होता है, वहाँ पर पिछले साल की तुलना में इस साल 30% ज़्यादा पानी है। तो आप समझिए, बारिश अभी तक कम हुई है पर रिजर्व में पानी बहुत ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है। मुझे लगता है कि वही कारण है कि खरीफ क्रॉप को बोने में किसान ऑप्टिमिस्टिक हैं। अब अगर कोई ये पूछे कि भाई रिजर्वॉयर्स में पानी ज़्यादा क्यों है, तो उसका भी रीज़न मैंने खोजा, किसी भी न्यूज़पेपर में दिया तो नहीं है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इस साल गर्मियों में भी बहुत बारिश हुई है, सारी गर्मी भर काफ़ी पानी गिरा है, तो वो सारा पानी रिजर्वॉयर्स में अक्यूमुलेटेड है, जो कि हमें इस साल खरीफ क्रॉप की खेती में सहायता देगा। ठीक है, और मेट डिपार्टमेंट, हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसका भी ये मानना है कि भले अभी मॉनसून धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, बट अल्टीमेटली वो उतना ही पानी गिराएगा मॉनसून जितना कि पिछले साल गिराया था। तो खरीफ क्रॉप्स जो किसान प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी बात अबाउट खरीफ क्रॉप्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, आज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है, तो क्या बताया जा रहा है, टू ऑनर रेफ्यूजीज अक्रॉस द ग्लोब, द यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड 20th जून टू बी ऑब्जर्व एज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इन इट्स रिजोल्यूशन 55/76 ऑन 4 December 2020। ठीक है, तो द फर्स्ट वर्ल्ड रेफ्यूजी डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 20th June 2001। सन 2001 से 20 जून को रेफ्यूजी डे मनाया जा रहा है। इस बार की थीम क्या है, एवरी एक्शन काउंट्स। जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट इस तरह का डे मनाया जाता है, बहुत आसानी से इस साल उसकी थीम क्या थी, ये वाला MCQ बन जाता है। ठीक है, आप याद रखिए एवरी एक्शन काउंट्स, कि रेफ्यूजीज को बचाने के लिए, ये नहीं कि आप पूरा 360 डिग्री गोइंग द होल माइल जैसा कोई स्टेप उठा रहे हैं तभी उसका मतलब है, हर छोटा एक्शन जो आप लेते हैं किसी रेफ्यूजी को बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा बताया जा रहा है। इट इज टू रिमाइंड द सिटीजंस ऑफ ईच एंड एवरी नेशन अक्रॉस द ग्लोब दैट एट अ टाइम ऑफ अ पैंडेमिक एनी वन फ्रॉम द सोसाइटी कैन मेक अ चेंज, अ स्मॉल एफर्ट मेड बाई एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द ओवरऑल ग्लोबल एफर्ट्स टू मेक द वर्ल्ड अ मच मोर इंक्लूसिव फॉर ऑल। इस तरह की बात है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेटा के तहत क्या बता रहे हैं, 20 लोग हर मिनट फोर्स कर दिए जाते हैं टू फ्ली देयर होम इन ऑर्डर टू एस्केप टेरर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। आप सोचिए, हर मिनट 20 लोग रेफ्यूजी बन रहे हैं इस दुनिया में। ठीक है, 2019 के अंत तक देर वर एन एस्टिमेटेड 80 मिलियन पीपल। 80 मिलियन मतलब सोचिए कि 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वर डिस्प्लेस्ड फोर्सिबली इन द वर्ल्ड। 8 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है। हमारे देश के कई राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 8 करोड़ से कम है। तो आप सोच सकते हैं कि उतने सारे रेफ्यूजीज दुनिया भर में क्रिएट होते हैं। And realize that not only they will survive but also thrive towards achieving their rights and dreams. For this, the governments across the globe are made to realize their duties on this date to protect and support the refugees. देखिए, refugees का मामला important है कई reasons से। पहला, रोहिंग्या refugees का मुद्दा देश में बहुत ही गर्म है, जो कि म्यांमार से, वो originally बंगाली इस तरह के एथनिसिटी के लोग हैं जिनको म्यांमार ने उनकी नागरिकता ख़त्म कर दी, फिर ऐसे एलिगेशंस हैं कि उनके अगेंस्ट जो है वायलेंस हुआ और म्यांमारीज आर्मी द्वारा और वहाँ के लोकल मिलिशिया द्वारा वहाँ पे जेनोसाइड जैसे एक्ट्स हुए, उसकी वजह से भाग के उन्होंने बांग्लादेश और भारत में आके शरण ली है। लेकिन भारत में कई लोग कहते हैं कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को इंडिया में शरण देने से वो जो डिसग्रंटेड लोग हैं वो आगे जाके टेरर ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो रेफ्यूजीज़ का इशू इंपॉर्टेंट है, आपको ये डे तो पता ही होना चाहिए। रोहिंग्या इशू, रेफ्यूजी से संबंधित जो मामला है उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है रेफ्यूजीज़ क्यों अब बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो गए हैं यूपीएससी के लिए, वो है कि CAA, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया इस साल, उसने ये कहा कि हमारे आसपास के देशों से अगर नॉन मुस्लिम आते हैं तो उन्हें माना जाएगा कि रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करके वो हमारे देश में रेफ्यूजी स्टेटस लेने आ रहे हैं, तो उन्हें पहले की तरह 12 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 6 साल इंडिया में रहने के बाद ही वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वो नॉन मुस्लिम हो, क्योंकि माना जा रहा है आसपास के हमारे देश मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं, जो आसपास के देश मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो यहां से अगर वो आ रहे हैं, यहीं से रेफ्यूजी आते हैं इंडिया में, तो अगर ये नॉन मुस्लिम्स हैं तो अगर उनको माना जा सकता है कि पे मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट वहां पे परसिक्यूशन कर रहे हैं, तो उन्हें भारत में नागरिकता फास्ट ट्रैक करके दी जाएगी। अगर वो मुस्लिम हैं तो जैसे पहले 12 साल उन्हें वेट करना पड़ता था, वैसे ही 12 साल वेट करना पड़ेगा। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये बात सिर्फ 2014 से पहले जो इंडिया में आ चुके हैं उन लोगों पर लागू होगी। ये नहीं कि अब ये खबर फैल जाए और कोई सोचे कि यार अब इंडिया में बहुत कम समय में नागरिकता मिल जाएगी तो चलो इंडिया चलते हैं, ऐसा नहीं होगा। 2014 से पहले जो आए हैं सिर्फ उन्हीं पर ये कानून लागू होगा। बहुत सारे लोग जो इस एक्ट को प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसको लेकर बहुत ज़्यादा
पॉलिटिकल डिबेट हुई, इसको लेके शहर में रास्ते रोक दिए गए, शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट्स हुए, और क्या पता वो भी एक फैक्टर थे जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत बड़े दंगे भी हुए जब डोनाल्ड ट्रंप खुद दिल्ली में आए हुए थे। तो एक एक्ट कितना इंपॉर्टेंट आप सोच सकते हैं, थ्रेड बेयर आपको पढ़ लेना चाहिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हालांकि एक पॉइंट ये भी कहता है कि ये इतना कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट है कि यूपीएससी इस पर सवाल नहीं पूछेगा, पर मुझे लगता है कि कोई भी स्टैटिक टाइप का इसमें से पॉइंट कि इस एक्ट में क्या दिया है क्या नहीं दिया है कितने दिन और इस तरह की चीज़ें ज़रूर यूपीएससी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। रेफ्यूजीज का मामला बहुत गर्म है, रेफ्यूजीज से रिलेटेड हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल इस तरह के पैक्ट्स हैं रेफ्यूजीज के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हैं जो कहते हैं कि हर देश को रेफ्यूजीज़ को किस तरह से रेफ्यूजीज़ के ऊपर एक्ट करना है, जो कि उनके लिए एकदम कंपलसरी है। इसमें से कई को इंडिया ने साइन भी नहीं किया है, इनके ऊपर आपको पढ़ के रखना चाहिए ज़रूर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और देखिए इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है कि द एज पर 2019 यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल 68% ऑफ द रेफ्यूजीज इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम कंट्रीज। देखिए अगेन यहाँ पे वो पेरेटो प्रिंसिपल लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर में जितने रेफ्यूजीज हैं उसमें से करीब 70% ये कुछ ही चुनिंदा देशों में से हैं। वो चुनिंदा देश कौन है? सीरिया, जहाँ आपको पता है कि बशर अल असाद वहाँ के राष्ट्रपति थे और वहाँ पे एक एथनिक डिवाइड की वजह से सुन्नी इस्लामिक जो ग्रुप्स हैं आइसिस और इस तरह के जो और अदर ग्रुप हैं वो सीरियन लिबरेशन फोर्सेज सीरियन डिफेंस फोर्सेज के नाम उन्होंने रिबेलियन किया था वहां पे, जिसकी वजह से वहां पे सिविल वॉर चल रही है, ठीक है। वेनेजुएला से रेफ्यूजीज निकल रहे हैं क्योंकि वेनेजुएला में सोशलिस्ट एक गवर्नमेंट है जो कि कह रहे हैं कि वहां की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है उस गवर्नमेंट के अंडर में, तो पब्लिक वहां से भाग रही है। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान हैज बीन इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ स्ट्राइफ फॉर द पास्ट मेनी डेकेड्स नाउ। कई दशकों से अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है अलग अलग फैक्शंस के बीच में। काबुल के बाहर सरकार की उतनी चलती नहीं है अफगानिस्तान में, तो वहां आए दिन बम ब्लास्ट और आतंकवादी हमले होते रहते हैं, तो वहां से लोग भाग के रेफ्यूजी बन रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। साउथ सुडान और दारफूर, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको आपको सर्च करके रखना चाहिए। सूडान एक बड़ा देश था, उसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों रहते थे। दारफूर एक सूडान का बहुत ही गरीब रीजन था जहां पर कि लोगों के साथ बहुत ही जेनोसाइड नरसंहार और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जैसी चीज़ की गई थी। जांजवीड मिलिशिया कहते थे उनको, इस तरह के वो ग्रुप्स थे, आर्म्ड ग्रुप्स थे जो कि जाके सिविलियंस के साथ हिंसा करते थे, उनको जांजवीड कहा जाता था। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, किसी एग्जाम में भूले भटके घूमते फिरते आपसे पूछा जा सकता है। साउथ सूडान बाद में अलग हो गया सूडान से, लेकिन अभी भी देखिए वहाँ पर स्थिति पूरी सुधरी नहीं है, वहाँ से भाग के लोग रेफ्यूजी बन रहे हैं। और लास्ट यहाँ पर दिया है म्यांमार से 1.1 मिलियन रेफ्यूजी जनरेट हुए हैं, वो सब रोहिंग्या हैं। रोहिंग्या लोगों को वहाँ से मतलब एक तरह से मार के ही भगाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक बताया गया, दुनिया भर में जो 8 करोड़ रेफ्यूजी हैं उसमें से लगभग आपके 2.5 करोड़ 18 साल से कम के हैं, यानी 18 साल से कम उम्र के यानी बच्चे हैं। 2.5 करोड़ बच्चे दुनिया में रेफ्यूजी बन चुके हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग और इस और भी मेल न्यूट्रिशन और इस तरह से उनकी डेथ हो जाए या इस तरह की चीज़ों के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा एक सीरियस सिचुएशन है। और साथ ही साथ ऑन अ लाइटर नोट, रेफ्यूजी एक मूवी भी थी जिसके जरिए करीना कपूर और अभिषेक बच्चन ने डेब्यू किया था, उसका पोस्टर मैंने यहाँ पर अपनी स्लाइड में दिया हुआ है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट बम्पर ग्रांट टू आरएलबीज यानी रूरल लोकल बॉडीज यानी ग्राम पंचायत वगैरह। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 15वीं फाइनेंस कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी पहले फॉर द रूरल लोकल बॉडीज, द रिकमेंडेशंस इन द रिपोर्ट वर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो रिपोर्ट पहले सबमिट की गई थी, सरकार ने आज उस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अब आरएलबीज को इस साल के लिए 60,750 करोड़ रुपये का ग्रांट दिया जाएगा, जो आज तक का सबसे ज़्यादा है। देखिए धीरे धीरे हम ये जो पंचायती राज हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं धीरे धीरे उनकी तरफ एक डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे उनके उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के एरिया में उनकी अथॉरिटी को बढ़ाया जा रहा है और ज़्यादा काम उनके जिम्मे दिया जा रहा है, तो उसके लिए और ज़्यादा पैसा भी उन तक हमको भेजना पड़ेगा। और ये बात हमें धीरे धीरे समझ में आ रही है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो कि अभी एक पैंडेमिक जैसी भी जो एक सिचुएशन है, तो हर जगह जाके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकते हैं जितना कि वहाँ की लोकल यूनिट जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो दे सकते हैं। इसके लिए अब तक का सबसे बड़ा पैसा उनको ट्रांसफ़र किया गया है 60,750 करोड़ का, ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दिया गया था। अब द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज नरेंद्र सिंह तोमर ने और ऐड किया कि सेकंड इंस्टॉलमेंट भी बहुत जल्द दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, हर फाइनेंशियल ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एड अप्रूव करता है फॉर द रूरल लोकल बॉडीज फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वर्क इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो द ग्रांट्स प्रोवाइडेड आर यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट्स सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन, मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज टू इंश्योर रूरल एरियाज कैन अटेन एंड
मेंटेन द स्टेटस ऑफ 100% ओपन डेफिकेशन फ्री ODF, गांव का स्टेटस उनको मिलता है उसके लिए, और साफ पानी के लिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उनको मेनली ये ग्रांट दिया जाता है, इसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। एक और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ कल आई थी कि जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने फाइनेंस कमीशन के सामने ये अपना एक एप्लीकेशन दिया था कि ये जो पैसा है जो पानी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोकल बॉडीज को दिया जाता है वो जल शक्ति मंत्रालय को दे दिया जाए। तो वही काम जो काम ग्राम पंचायतें कर रही हैं और सेंट्रल मिनिस्ट्री फॉर वाटर जो है जल शक्ति मंत्रालय वो करेगा, और शायद उसके जरिए वो माइग्रेंट लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की भी बात कह रहे थे, लेकिन जाहिर बात है कि सरकार ने उनका ये एप्लीकेशन नहीं माना है और पैसा पंचायती राज बॉडीज़ को जारी कर दिया है। जो कि आप सोच सकते हैं कि पंचायती राज बॉडीज़ बनाने का पर्पस ही है डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस। अब अगर पंचायत का काम सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री करेगी तो ये तो उस पूरी फिलोसॉफी के एकदम 180 डिग्री उल्टा बात हो गई ना, कि कहाँ ग्राम पंचायत को वो काम करना था वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ना देखे, वो स्टेट गवर्नमेंट को ना देखे, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को वो काम दे देंगे तो ये तो मानना हो जाएगा कि ग्राम पंचायतें कुछ नहीं कर सकती, हमारा ये पूरा पंचायती राज जो रेवोल्यूशन है वो फेल हो चुका है। तो इस तरह का इतना बड़ा कदम गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं उठाएगी, उन्होंने बल्कि आज तक का सबसे बड़ा ग्रांट पंचायती राज बॉडीज़ को दे दिया है। ठीक है, अब ये ग्रांट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। RLBs इंक्लूड ऑल द टायर्स ऑफ पंचायत, दैट इज विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये जो पंचायत ग्राम पंचायत है आपका, फिर तहसील लेवल पे और जिला पंचायतें भी होती हैं, तो ये तीनों लेवल को आपको RLBs में इंक्लूड किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट इनको रिकमेंडेड, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंडेशन करता है कि किसको कितना पेमेंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, द बैंड्स आर 70-85% फॉर विलेज पंचायत, 10-25% फॉर ब्लॉक पंचायत एंड 5-15% फॉर डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये जो लास्ट लाइन मैंने बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से किसी भी MCQ में UPSC में आराम से पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है रूरल लोकल बॉडीज़ को जो पैसा दिया जाता है। देखिए, आज तक का सबसे ज़्यादा पैसा इस साल दिया गया है, ज़रूर ये आपसे पूछ लिया जाएगा, और ये अगर आपको नहीं पता है वहाँ आप गेस नहीं मार पाएंगे। ठीक है, तो ये डेटा बिल्कुल नोट करके रखिए और इसको याद करके रखिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, यह है अबाउट सत्यभामा। सत्यभामा देखिए लग रहा है बहुत बड़ा सा है, कुछ नहीं है। सत्यभामा एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जिसमें माइंस एंड मिनरल्स का जो फील्ड है उसमें लोग रिसर्च करेंगे और एक तरह से रिकमेंडेशन सबमिट करेंगे कि इसमें और बेटर क्या किया जा सकता है, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, इट इज़ टू इनकरेज रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट्स टू अंडरटेक क्वालिटेटिव एंड इनोवेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इन द माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। ये पोर्टल, ये वेबसाइट बनाया गया है सत्यभामा नाम से, माइंस और मिनरल्स के फील्ड में लोग रिसर्च करके अपनी रिसर्च सबमिट करें उसके लिए वेबसाइट बनाई गई है, उसका नाम है सत्यभामा। भगवान श्री कृष्ण की वाइफ थी, उनका नाम था सत्यभामा। तो ये जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, तो ये उसका नाम सत्यभामा रख दिया गया है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, ये थी आज की करंट अफेयर्स की रैपिड राउंड अप। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा और स्टैटिक के जो पोर्शंस मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बताए हैं आप तुरंत उन्हें रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि अभी अभी आपने वीडियो देखी है तो आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट्स फ्रेश हैं, अभी रिवाइज कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाले दिनों में और भी किस तरह से बेहतर UPSC के लिए वैल्यू एडिंग वीडियोस मैं मेरे चैनल पर डाल सकता हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।